लुबना की रसोई चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई मटन। कढ़ाई मटन की ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो फिर चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मटन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 800 ग्राम मटन लिया है। इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। मटन के ये मिक्स पीसेस हैं। 800 ग्राम मटन के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। इसे मैंने स्लाइस कट कर लिया है। यहाँ पर मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मैं एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ। जो स्लाइस की हुई प्याज है उसे भी मैं ऐड कर देती हूँ। प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करेंगे। प्याज हमारी जैसे ही थोड़ी मुरझा सी जाएगी हम इसमें गोश्त अपना ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी सारी चीज़ें इसमें आप ऐड करें। गोश्त को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब भी आप मटन की कोई भी रेसिपी बनाएं सरसों के तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है आप नॉर्मल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में मटन की रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। इसीलिए अगर आपके पास सरसों का तेल अवेलेबल है आप उसी का ही इस्तेमाल करें। मटन कढ़ाई बहुत ही ईजी रेसिपी है। इसमें ज़्यादा प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने स्लाइस कट की हुई प्याज का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चॉप करके भी प्याज को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं 7 से 8 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये ज़्यादा तीखी हरी मिर्चें नहीं हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, इसे मैं ऐड कर रही हूँ। अभी इस स्टेज पर सिर्फ लहसुन की कलियों को ही ऐड करना है, अदरक ऐड नहीं करिएगा। अब यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून भर के यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो 2 टमाटर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर को यहाँ पर मैं प्लस साइन करके किस तरह से रख रही हूँ। अब मटन को हम प्रेशर कुक करेंगे। मटन हमारा 80 से 90% तक गल जाए उतना हमें गलाना है, 100% नहीं गलाना है। यहाँ पर मैंने रोबो कुक को मीडियम प्रेशर मोड पर 20 मिनट के लिए सेट कर दिया है। अब जब तक हमारा मटन प्रेशर कुक हो रहा है हम मटन कढ़ाई का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून धनिया है, 1.5 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून गोल काली मिर्चें हैं, 4 सूखी लाल मिर्चें हैं, 5 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 7 लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पत्ता हम पहले ही डाल चुके हैं इसीलिए यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। अब सभी मसालों को एक पैन में डाल के उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। गैस की आंच को यहाँ पर लो से मीडियम के बीच में रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो जो हमारे मसाले हैं वो जल्दी जल जाएंगे। जैसे ही खुशबू आने लगे आप गैस की आंच को बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जैसे ही ये ठंडा होगा इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे अच्छे से। ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसका कोर्स पाउडर बनाना है, दरदरा से पीसना है। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम यहाँ खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पानी रिलीज हो गया है, प्याज का भी गोश्त का भी। अब गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैं बटर का एक टुकड़ा ऐड कर रही हूँ। गैस की आंच को यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। अब जैसे ही बटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को यहाँ पर मैंने 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट में अब हम अपने प्रेशर कुक किए हुए मटन को ऐड करेंगे। मटन को उसका जो पानी है सभी चीज़ों को ऐड करना है। प्रेशर कुक में जो हमारा मटन है वो 80% तक पक चुका है। अब बाकी का जो 20% है वो हम कढ़ाई में पकाएंगे। इससे जो हमारी जो मटन कढ़ाई बनेगी वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आप प्रेशर कुक कर लेंगे मटन को 100% तो जब आप इसे कढ़ाई में भूनेंगे सभी मसालों के साथ में तो जो हमारा मटन है वो टूटने लगेगा, इसलिए मटन को 80% तक ही कुक करते हैं। अब प्रेशर कुक करते समय जो हमने टमाटरों को ऐड किया था उसकी स्किन मैंने निकाल ली है और इसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम अपने गोश्त में सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ। 4 टीस्पून जो हमने कढ़ाई मटन मसाला तैयार किया है उसे मैं ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ।
नमक इस स्टेज पर चेक कर लें कि आपके स्वाद के अनुसार है कि नहीं। अब सभी चीज़ों को ऐड कर लिया है हमने। अब अच्छे से हम अपने मटन को भुनेंगे। गैस की आंच को यहाँ पर हाई फ्लेम पर रखना है। कढ़ाई में मटन को भुनते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। जो हमारा जो ग्रेवी है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं थोड़ी गाढ़ी हो रही है। अब इस स्टेज पर यहाँ पर मैं 1/3 कटोरी दही ऐड कर रही हूँ। मटन को भुनते हुए यहाँ पर 40 मिनट हो गए हैं और जो हमारा मटन है वो पूरी तरीके से पक चुका है। ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छे से थिक हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ये गुनगुना पानी है। आपको मटन कढ़ाई की जितनी थिक ग्रेवी पसंद है आप उतना उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद 10 मिनट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी। अगर आपको बहुत ही भुना हुआ मटन कढ़ाई पसंद है तो आप इसमें पानी ऐड ना करें लास्ट में, लेकिन अगर आपको थोड़ी थिक ग्रेवी पसंद है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने कढ़ाई मटन को देखते हैं। जो हमारा कढ़ाई मटन है वो बिल्कुल रेडी टू सर्व है। अब आप इसमें चॉप्ड धनिया की पत्तियों को डालकर सर्व कर सकते हैं। कढ़ाई मटन की ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और लुबना की रसोई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।